हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या करना है, सिंपल है। पहले हम केवल सेपरेट कर रहे हैं इसको, 2x+3 अपॉन 5x2+1। अब आपको पीछे की एक्सरसाइज कुछ रिवाइंड करनी पड़ेंगी, जहां हम इस टाइप के क्वेश्चन करते थे। मैंने 2x के नीचे 5x2+dx को अलग कर दिया, प्लस 3dx अपॉन 5x2+1 अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया दोनों। ठीक है सर, अब क्या करेंगे? अब केवल इसके अंदर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 5 से कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा ये। और ये एज इट इज ये नीचे। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा आपको। ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और यहाँ क्या किया सर, यहाँ मैंने 5 कॉमन निकाल लिया इसमें से। क्या निकाल लिया? 5 कॉमन। इसमें से 5 निकलेगा तो यहाँ x² बचेगा और यहाँ 1/5 हो जाएगा। सर ऐसा कैसे किया आपने, बताता हूँ। जिसके नीचे 5 नहीं होता उसके लिए अपन 5 5 मल्टीप्लाई करते हैं। अपन ने ऊपर से कॉमन निकाला 5, तो नीचे 5 रह गया ना, 1/5। ऐसे किया, समझ में आया? ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये भी अभी समझ में आएगा आपको। इधर देखो, यहाँ 1/5 इंटीग्रेट 10x अपॉन 5x2+1.dx है। यहाँ देखो 3/5 हो जाएगा ये, और ये dx अपॉन x2+1/√5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है मुझे, देखते ही याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है। तो अब इस वैल्यू कैसी हो गई, देखो ये वैल्यू 1/5 इंटीग्रेट 10x। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ ना, एक सेकेंड, इसको मैं I1 मान लेता हूँ और इसको मैं I2 मान लेता हूँ। I1 क्या है, इंटीग्रेट 10x.dx अपॉन 5x2+1। यहाँ मुझे लेट करना पड़ेगा 5x2+1 को, t डिफरेंशिएट किया मैंने, 5 2 10x.dx इक्वल्स टू dt। आप लिख लेना है सारी चीजें, डिफरेंशिएट करना है ये वो। मैं थोड़ा शॉर्ट में कराता हूँ इसलिए स्किप कर देता हूँ, दूसरा लाइन है, बट आप ऐसा मत करना एग्जाम में। तो ऊपर तो dt हो गया और नीचे t हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली log t। हम यहाँ पे c का यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे लिमिट्स है हमारे पास, तो हम t नहीं लगाएंगे। t की जगह वही वैल्यू 5x2+1, ये आ गया I1 का। अगला देखो I2, अब इसका फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, 1/x2+a² का, 1/a टेन इनवर्स x/a। ठीक है, अगर मैं इसका यूज करूं तो देखो ये √5 जाएगा ऊपर, 3√5/5 रहेगा ये, 3√5 जाएगा ऊपर, टेन इनवर्स ये √5 भी ऊपर चल जाएगा, √5x। ठीक है, ये आ गई आपके पास I2 की वैल्यू, और ये I1 की। दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे अपने। ठीक है, ध्यान रखना मैंने पूरी वैल्यू ले ली है ये एज इट इज है ना, इस पूरे को लेट किया। देखो यहाँ तो मैंने ये 3/5 छोड़ दिया था क्या, नहीं, यहाँ मैंने पूरा 3/5 कवर कर लिया है। ठीक है, ये 1/5 था ना, तो ये √5 आया, तो 3√5 यहाँ पे मैंने, लेकिन 1/5 बाहर छोड़ दिया है, ये वाला 1/5 क्लियर है यहाँ तक। तो ये 1/5 अब लगा लेना है यहाँ पे, तो फाइनली आप देखोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/5 इस पूरे का सॉल्यूशन, 1/5 log स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3√5/5 टेन इनवर्स √5x। समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया समझ में। अब इस वैल्यू के अंदर आपको ये आपकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपकी fx है। क्या है fx? अब इसको लिखो पीछे, एक मिनट देखो, fx क्या आ गया आपके पास, 1/5 log 5x2+1 प्लस 3√5 अपॉन, क्या था यार, 1/5 log 5x2, 3√5/5 tan inverse √5x, ये आपके fx है। अब आपको पता है 0 से अगर 1, ये क्वेश्चन दे रखा है 2x+3 5x2+1.dx, तो यहाँ पे fb की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 है, और इसकी f0 पुट करो, 1/5 log 5 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3√5/5 टेन इनवर्स √5 और 1 है एज इट इज, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस फिर 1/5 log 5 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3√5/5 टेन इनवर्स, और ये 0 हो जाएगा √5 से 0 मल्टीप्लाई होके, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आगे देखो,
लॉग 5 1 5 और ये 6 हुआ, 3 √5/5 टेन इनवर्स रूट फाइव बच गया ये, -1/5 लॉग ये 0 हो गया और ये लॉग 1 हो गया और टेन इनवर्स 0 ये पूरा 0। ठीक है, इस वैल्यू और इस वैल्यू को देखो, 1/5 कॉमन आ रहा है, लॉग एम अपॉन लॉग एन यानी लॉग 6/1 है तो 6 ही रहेगा। ठीक है, ये लो ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हाँ वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।